अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू रेसिपी। सो टुडेज रेसिपी इज अबाउट रेड सॉस स्पेगेटीज। रेसिपी पसंद आए तो गिव इट अ ट्राई, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस आल्सो लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वांट टू गिव यू अ टिप कि आप पहले से अपने स्पेगेटीज को बॉयल करके रखें और स्पेगेटीज को ओवर बॉयल ना करें ताकि आपकी जो स्पेगेटीज हैं वो बहुत जूसी बने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ले लिया। आई टेक ऑलिव ऑयल, यू कैन टेक एनी ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ करें। उसके साथ मैंने 1/2 kg जो है वो चिकन क्यूब्स के ले लिए हैं। मेरा जो चिकन था वो सारा क्यूब्स में नहीं था, मैंने 1/2 चिकन को क्यूब्स में रखा और 1/2 चिकन को जो है वो मिंस कर लिया था। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल कि आप क्यूब्स में रखना चाहते हैं या फिर आप मिंस करना चाहते हैं। आप क्यूब्स में ही रखें सारा बेशक, लेकिन मुझे जो टेस्ट है वो क्यूब्स और जो मिंस चिकन है दोनों का पसंद है, क्योंकि स्पेगेटीज़ में सिर्फ चिकन होता है। दैट्स व्हाई आई नीड लाइक मोर फ्लेवर ऑफ स्पेगेटीज़। सो अब इसका मैंने देखिए कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लिया मीडियम फ्लेम में इसको कुक करके। इसको मैंने थोड़ी देर और कुक होने दिया। ये सारा पानी जो है वो चिकन का अपना था। उसके बाद जब इसका पानी सारा सॉक हुआ तो आई एडेड 2 टेबलस्पून ऑफ केचप इन इट, क्योंकि ये रेड सॉस है तो इस वजह से हमें चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश चाहिए था, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से ही जो है वो 2 टेबलस्पून केचप जो है वो ऐड कर दी थी। सॉस में हम इसको ऐड करते तो फिर भी वो थोड़ा सा चिकन जो है वो वाइट रह जाता है। दैट्स व्हाई आई एडेड दिस। इसमें हम कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको इतना सा करके और कुक करेंगे। और कुक आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना कि केचप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी सी हो जाए, इतना हल्का सा कुक करके आपने इसको निकाल लेना है। अब एक पैन के अंदर जिसमें आपने स्पेगेटीज बनानी है उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है और 1 कप चॉप्ड अनियंस जो है वो ऐड किए हैं। उसको मैं सॉटे कर लूँगी, बहुत लाइट सा सॉटे करना है। अच्छा, ऑयल का ये है कि आपने जो ऑयल पहले यूज़ किया था वही ऑयल इसके अंदर यूज़ करें। अनियंस हमारे सौते हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टोमेटो प्यूरे। टोमेटो प्यूरे मैंने कैन वाली यूज़ नहीं की, इफ़ यू हैव दैट तो आप वो यूज़ कर लें। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो आप क्या करें कि 6 से 7 टमाटर लें, उनको पील ऑफ करें और 1/2 कप पानी डाल के उनको अच्छी तरह ग्राइंडर मिक्सर में ग्राइंड कर लें तो आपका प्यूरे तैयार हो जाएगा। आई डू दैट सेम। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब जो हैं वो मेरे रोजमेरीज और ऑर्गेनो वगैरह ही थे, आप वही ऐड करें। उसके बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो टोमेटो केचप ऐड होती है, तो 2 टेबलस्पून मैंने चिकन में ऐड कर ली थी और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऐड कर ली थी। अच्छा जी, ये सारा प्रोसीजर मैंने जो है वो लो मीडियम फ्लेम पर किया ताकि हमारी जो प्यूरे है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिकन ना हो जाए, साथ ही डालते ही उसके अंदर थिकनेस ना आना शुरू हो जाए। तो इस वजह से चिली सॉस और सोया सॉस डालना मैं भूल गई थी, सो आई एडेड नाउ 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस एंड 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस आई एडेड। और उनको ऐड करने के बाद आई एम गिविंग इट अ गुड मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। आफ्टर 5 to 6 मिनट देखें जी, हमारी जो सॉस है वो 1/2 थिकन हो गई थी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो प्रिपेयर्ड चिकन था उसको ऐड कर लिया। प्रिपेयर्ड चिकन को ऐड करने के बाद सॉस का जो टेस्ट था ना, डैट वॉज सो अमेजिंग एंड यमी। गिव इट अ ट्राई, इसको ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। 1 कप ऑफ कैप्सिकम मैंने इसमें ऐड किया विच वर इन द क्यूबिक शेप। इन सबको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद ये सब प्रोसेस जो अभी हो रहा है ना वो लो फ्लेम पर ही हो रहा है। ठीक है जी, आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप इसको 3 से 4 मिनट और पका लें ताकि आपकी जो सॉस है ना वो थोड़ी सी पानी पानी वाली ना रहे, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। 3 to 4 मिनट कुक होने के बाद अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसकी। नाउ लुक एट द बबल्स ऑन द सॉस, दिस इज अ साइन दैट योर सॉस इज परफेक्टली कुक्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर से 1/2 चिकन जो है निकाल लूँगी मैं अलहदा सी प्लेट में। इसको निकालने का रीज़न ये है कि मुझे जो स्पेगेटीज हैं उसके ऊपर चिकन ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उसको सर्व करते हैं। दैट्स वाई मैं इसमें से चिकन को अलहदा कर रही हूँ और ग्रेवी को इसके अंदर ही रहने दे रही हूँ, बिकॉज आई नीड द रेड कलर ऑफ स्पेगेटीज। सो मैं इसके अंदर अब स्पेगेटीज ऐड कर रही हूँ। स्पेगेटीज को जब आप इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे तो सारा जो कलर है द टोमेटो कलर, द रेड सॉस स्पेगेटीज बेसिकली, तो वो कलर इसको जो है मिल जाएगा और ये
जूसी सी यमियस सी जो स्पेगेटीज हैं वो बन जाएंगी. और लुक एट द शाइन ऑफ माई स्पेगेटीज, स्पेगेटीज शाइन सिर्फ इसलिए कर रही हैं बिकॉज मैंने इनको हाफ कुक किया था और इनको मैंने फुल कुक करके इनका जो है ना वो शाइन ख़त्म नहीं किया था. एंड नाउ लुक एट द कलर. Now it's time for the plating. लुक एट द कलर ऑफ स्पेगेटीज. अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी द ग्रेवी जो हमने अलहदा की थी और उसको ऐड करने के बाद हम करेंगे इसके अंदर चीज़ ऐड विच इज़ द पार्मेसन चीज़. अगर आपके पास पार्मेसन चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप चैटर या मोज़रेला में से कोई भी हल्के हल्के स्प्रिंकल करके उसको थोड़ा सा गर्म गर्म में ऐड करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा. लुक एट द लास्ट शेप ऑफ माई रेसिपी. दिस वॉज अमेजिंग. सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं. इसको ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करें. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करें. मेरे चैनल को जो है वो शेयर करें ताकि मैं इस तरह की रेसिपीज जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.